तो मैंने आज इनसे कहा चलें आज तो फरहत से मिलके ही आते हैं। वाह वाह फरहत, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हसीन घर है। अल्लाह रहना नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। ये कुछ फल वगैरह लेके आए थे तुम्हारे लिए, जोड़ा है। कुलसुम अच्छा, ये चीजें उठाओ। हाँ ये ले, ये भी जी, ये मिठाई ले जाना घर बच्चों के लिए। क्यों ले आई खामखा अब्बा, इतना कुछ पहले से रखा हुआ है घर में सब। बच्चे कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे। अफान तो लगता है बहुत ही मसरूफ हो गया, जब से यहाँ आया खाला की एक बार भी याद नहीं आई उसे। वाकई मसरूफ हो गया अब्बा, जब से यहाँ आए वो तो इतना मसरूफ हो गया कि मैं क्या बताऊँ। खाना खाने की फुर्सत नहीं है उसे। अब देखो उसके ससुराल से इतना कुछ आया हुआ है, इतनी फुर्सत नहीं उसे कि डब्बा खोल के मिठाई का एक टुकड़ा मुंह में रख ले। ससुराल? हाँ देखो जरा, बताना ही भूल गई। ये तो नसीबों के खेल है ना भाई साहब, इंसान तो बेबस है बिल्कुल। हमने तो बहुत चाहा कि ज़ेबा को और अफ़ान को एक बंधन में बांध दे, लेकिन शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। जवान औलाद की सरकशी के आगे माएँ बेबस हो जाती, जैसे मैं हो गई। अफ़ान को कोई और लड़की पसंद आ गई है, उसी की बात पक्की की है मैंने। ये तुम कैसे कह रही हो फरहत? ज़ेबा और अफ़ान की मंगनी हुई है, उसका रिश्ता कैसे कर सकती हो तुम कहीं और? अप्पा मैंने अपनी खुशी से नहीं किया कुछ, यकीन करें मेरी मर्जी नहीं थी इस सब में। पर मैंने मैंने तो उसकी मिन्नतें की, उसे वास्ते दिए, क्या कुछ नहीं किया मैंने। उल्टा धमकियां देने लगा मुझे कि अगर मेरी बात ना मानी तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। अब बताओ इस उम्र में मैं कहाँ जाऊं? आप लोगों को तो पता है कि मेरी औलाद ही मेरी जमा पूंजी है, मैं उनके बगैर क्या हूँ, कौन से दर पर जाऊँगी, मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी। मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। पर मेरी ज़ेबा, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने? कितने साल से अपना नाम अफ़ान के नाम के साथ जोड़ के बैठी है वो, उसके दिल पे क्या गुजरेगी ये नहीं सोचा तुमने? उसे क्या जवाब दूंगी मैं जाके, क्या बताऊंगी उसे? अरे खुद को संभालो आपा, क्या कर सकते हैं हम, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, यही सोच के खुद को तसल्ली दे लो और देखना ज़ेबा के नसीब में अफ़ान से कहीं अच्छा लड़का होगा। चले जी चले जी, चले चले यहाँ से चले। आपा आपा रुको तो सही।